subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. Hello friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक को, नाम है उस टॉपिक का होलोग्राफी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। ये टॉपिक जो है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स बीएससी और एमएससी में आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन जनरली आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि होलोग्राफी क्या होती है, ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, इसके क्या एप्लीकेशन है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे physicsworld.chandan से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है या तो आपके ऑप्टिक्स में मिलेगा ग्रेजुएशन में या एमएससी में, और आपके लेजर वाले टॉपिक में मिल जाएगा, और आपको ये मिल सकता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं होलोग्राफी को, लेट्स स्टार्ट होलोग्राफी। सबसे पहले इस वीडियो के कंटेंट के बारे में बता दो कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं होलोग्राफी के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज होलोग्राफी, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि होलोग्राफी है क्या। सेकंड पॉइंट हमारा डिस्कशन का होगा कि व्हाई होलोग्राफी, होलोग्राफी की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड होलोग्राफी। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग जो है किसी भी बेनिफिट के बिना या कोई भी अगर उसका काम ईजी ना हो रहा हो तो बिना बात के कोई काम नहीं करता। तो अगर हम होलोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको स्टडी करना है, तो उसकी क्या जरूरत है, हमें क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। थर्ड पॉइंट में हम इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की, होलोग्राफी की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे इसने ग्रोथ की है, किस हिसाब से आगे बढ़ा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में कि होलोग्राम्स काम कैसे करते हैं, हाउ होलोग्राम्स वर्क। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, होलोग्राम रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर में आपको बताया जाएगा एक्चुअल में मेथड टू प्रोड्यूस होलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डिस्कशन का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, मीन्स अगर अपने होलोग्राम रिकॉर्ड कर लिया तब दोबारा जब उसको यूज करेंगे तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे, क्योंकि आपको होलोग्राम को यूज करने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा एप्लीकेशन एंड फ्यूचर स्कोप, कि होलोग्राफी जो है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है और फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके साथ, और ओवरऑल हम इस वीडियो के कंक्लूजन लेंगे कि हाँ होलोग्राफी जो हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस है और ये क्या किस तरीके से कोई चेंजेस ला सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे व्हाट इज होलोग्राफी, तो होलोग्राफी है क्या, तो इसको कुछ टेक्निकल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। होलोग्राफी इज अ टेक्निक दैट अलाउज द लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बी रिकॉर्डेड एंड लेटर रिकंस्ट्रक्टेड। मीन्स होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर की लाइट की स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्कैटरिंग के द्वारा जो है आपको इसको रिकॉर्ड करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेजेस को, और उसके बाद एट द लेटर टाइम आप उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं स्टडी के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए। होलोग्राफी जो है ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होल प्लस राइट। मीन्स आप कह सकते हो होलोग्राफी इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग होलोग्राम, यानी होलोग्राफी एक साइंस है जो आपको बताती है कि कैसे होलोग्राम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी दैट अलाउज एन इमेज टू बी रिकॉर्डेड इन थ्री डायमेंशंस। होलोग्राफी जो है एक सिंपली फोटोग्राफी है, जैसे कि हम फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी क्या होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को आपने रिकॉर्ड कर लिया, बट डिफरेंस क्या है कि फोटोग्राफी इज ए टू डायमेंशन व्हाइल होलोग्राफी इज ए थ्री डायमेंशन। नाउ द टेक्निक ऑफ होलोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑप्टिकली स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी होलोग्राफी सिंपली क्या है कि आप जो है किसी भी चीज के बारे में ऑप्टिकली इंफॉर्मेशन यानी उनकी इमेज को आप थ्री डायमेंशन में रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिट्राइव यानी दोबारा जो है आप प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करेंगे। तो ओवरऑल
इन अ सिंगल वर्ड वी कैन सी कि होलोग्राफी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम होलोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं। और होलोग्राफी जो है एक टेक्निक, इसके सिंपल वर्ड में फोटोग्राफी जो थ्री डायमेंशन में आपको फोटोग्राफी में हेल्प करती है। नेक्स्ट, व्हाई होलोग्राफी। अब होलोग्राफी की नीड क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये होलोग्राफी इज आल्सो अ टाइप ऑफ ए फोटोग्राफी। तो पहले हम देख लेते हैं, अब फोटोग्राफ रिप्रेजेंट अ टू डायमेंशनल रिकॉर्डिंग ऑफ अ थ्री डायमेंशनल सीन। जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी चीज का फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें आपको टू डायमेंशन ऑफ व्यू मिलता है जो कि एक्चुअल में थ्री डायमेंशन होते हैं। व्हाइल रिकॉर्डिंग अ फोटोग्राफ, जबकि फोटोग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं, द फेज डिस्ट्रीब्यूशन विच prevailed at the plane of the photograph is lost. ये phase differentiation जो डिटेल में यानी आपको बता दें किस सेंस में कहाँ पर कितने फेज पे है, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। Since only the intensity यानी फोटोग्राफी में सिर्फ क्या होता है कि जो intensity pattern है उसको record किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर intensity ज़्यादा है, किसी given point पर intensity कम है, तो brightness, darkness इन चीज़ों को ये record करता है। इसके अंदर जो parallax character यानी जिसको आप simply कह सकते हो थ्री डायमेंशन कैरेक्टर जो है वो लॉस हो जाता है। सिंस ओनली द इंटेंसिटी पैटर्न हैज बीन रिकॉर्डेड, द थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन इज लॉस्ट। दस वन कैन नॉट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज इन द फोटोग्राफी बाय व्यूइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, और वन कैन नॉट रीफोकस एनी अनफोकस्ड पार्ट ऑफ द इमेज इन द फोटोग्राफ। यानी सिंपली क्या है कि अगर आपने किसी एक चीज की फोटोग्राफ की तो फोटोग्राफी करने के बाद उसको अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको वही चीजें दिखेंगी, उसमें कुछ नया ऑब्जर्व आपको नहीं होगा। और आप उसको कोई अगर अनफोकस्ड पार्ट रहेगा, मान लो कि आपने कहीं की कोई एक फोटोग्राफ लिया और कोई एक पार्ट है जिसपे आप फोकस नहीं कर पाए और वो फोटो में कैप्चर हो गया, बाद में आप उस चीज पे फोकस नहीं कर सकते अगर वो अनफोकस्ड रह गया है। तो ये सब जो पॉइंट्स जो ये ड्रॉबैक थे हमारे फोटोग्राफी के जिसके कारण से हमें होलोग्राफिक जरूरत पड़ी। तो होलोग्राफी के पॉइंट्स देख लेते हैं। इन होलोग्राफी वन रिकॉर्ड नॉट ओनली द एम्पलीट्यूड बट आल्सो द फेज ऑफ द लाइट वेव। जैसे कि पीछे हमने फोटोग्राफी में इंटेंसिटी की बात की थी और आपको पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो क्योंकि इसके अंदर जो हम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को ही सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, इसके अंदर हम लाइट वेव के फेज को भी रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक। तो अभी हम इस टेक्निक को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। बिकॉज ऑफ दिस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्निक ऑफ होलोग्राफी हैज अ ट्रू थ्री डायमेंशनल फॉर्म। तो क्योंकि होलोग्राफी टेक्निक से जो फोटोग्राफ प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें ट्रू थ्री डायमेंशनल फॉर्म आपके पास अवेलेबल होता है। दस एज विद द ऑब्जेक्ट वन कैन चेंज वंस पोजिशन एंड अ व्यू डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ द इमेज, और वन कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंस द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इमेज एज अ ट्रू एज द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड पॉपुलरिटी गेन बाय द होलोग्राफी। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिसके कारण से होलोग्राफी इतने जो है इसकी पॉपुलरिटी हुई है और इतने वाइड रेंज में इसके एप्लीकेशंस आ रहे हैं। इसका ये क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कई सारे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं कि चीज़ें जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो 92 के बाद जो है आपके पास जो आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं, तो इनमें से अलग अलग कई चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए बनती है और उसके बाद दे गेट वैनिश्ड। तो हम क्या करते हैं कि इनका होलोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। होलोग्राम में क्या होता है कि जो वहाँ पर भी चीज़ें अवेलेबल थी उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद जब दोबारा हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट पर फोकस करने के बाद पूरा टाइम मिल जाता है। तो मींस इसके अंदर जब आप रिकॉर्ड करते टाइम अगर किसी पॉइंट पे आप फोकस नहीं कर पाए तो बाद में आप उन पॉइंट पे इसमें फोकस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड होलोग्राफी। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में
जो साइंटिस्ट डेनिस गेबर जो थे, जिनको हम फादर ऑफ होलोग्राफी भी कहते हैं एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, डेनिस गेबर फादर ऑफ होलोग्राफी एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। डेनिस रॉट अ पेपर इन 1948 दैट हैज बिकम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न होलोग्राफी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऑल दिस इज दैट द लेजर लाइट हैड नॉट इवन इन्वेंटेड येट व्हेन ही रॉट हिज पेपर। डेनिस गेबर रिसीव्ड 1971 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी। तो ओवरऑल ये आपकी जो है इन शॉर्ट में एक हिस्ट्री थी होलोग्राफी की। नाउ टाइमलाइन ऑफ होलोग्राफी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से चीजें चेंज हुई है। तो 1947 में डेनिस गेबर ने डेवलप करा थ्योरी ऑफ होलोग्राफी, जिसके बाद जो उनने इसका एक पेपर लिखा जो 1948 में अभी प्रीवियसली मैंने बताया। आफ्टर दैट 1960 में फर्स्ट रूबी लेजर डेवलप किया गया। 1962 में व्हाइट लाइट रिफ्लेक्शन होलोग्राम बना। उसके बाद 1983 में मास्टर कार्ड फर्स्ट क्रेडिट कार्ड टू यूज होलोग्राम, इस टाइम पे जो होलोग्राम जो पहली बार यूज किया गया। ये होलोग्राम जो इसी तरीके के होलोग्राम आप बुक्स वगैरह पर भी देख सकते हैं। 2009 में इंटरेक्टिव होलोग्राफिक डिस्प्ले डेवलप्ड। 2010 डेवलपमेंट ऑफ मूविंग 3D होलोग्राम्स। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ होलोग्राफी देख लेते हैं कि वर्किंग किस पे बेस्ड है। तो वर्किंग ऑफ होलोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, दो फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज रिकॉर्डिंग, सेकंड फेज रिकंस्ट्रक्शन। लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम। बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ होलोग्राम इंक्लूड्स अ रेड लेजर, लेंसेज, बीम स्प्लिटर, मिरर्स एंड होलोग्राफिक फिल्म। Holograms are recorded in darker environment. Recording of hologram का एक systematic diagram जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस object का हमें record करना है hologram वो object है, उसके सामने में आपके पास एक beam splitter है और ये आपका current source of light है, ये photographic plate जिसपे कि आप जो holograms record करने जा रहे हैं और ये mirror है। अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कोरेंट लाइट बीम आपको पता है द लाइट हुज वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड फेजेज आर सेम और हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो जो कोरेंट लाइट होती है, तो कोरेंट लाइट की बीम आपने यूज करी। बीम स्प्लिटर क्या है कि ये आपका पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन के बेसिस पर काम करता है। जब आपकी कोरेंट बीम ऑफ लाइट इंट्रैक्ट करते बीम स्प्लिटर से तो दे गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड और यू कैन से रिफ्रैक्टेड थ्रू द बीम स्प्लिटर प्लेट। तो आफ्टर द ट्रांसमिशन फ्रॉम द बीम स्प्लिटर द बीम नोन एज इल्यूमिनेशन बीम एंड द रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम द बीम स्प्लिटर is known as the reference beam. Illumination beam further interact with the object and after the interacting with the object or reflection from the object, it will move towards the photographic plate on which the hologram will be recorded. And reference beam after reflecting from the beam splitter further reflected by a mirror and incident on the photographic plate. With the help of these two beams they get interact and interfere and form hologram on the holographic plate. To sabse pehle iske ऑब्जेक्ट वगैरह हमने बताए थे। तो इसमें लेजर, तो लेजर हमने बताया था कि आपको चाहिए जो रिकॉर्ड करने के लिए, तो लेजर में जनरली जो आप यूज कर सकते हैं रेड लेजर। यूजुअली रेड लेजर में भी हीलियम नियॉन लेजर यूज किया जाता है। आर कॉमन होलोग्राफी दीज आर कोरेंट लाइट सोर्स। बीम स्प्लिटर दिस इज अ डिवाइस दैट यूजेज मिरर एंड प्रिज्म टू स्प्लिट लेजर बीम ऑफ लाइट इनटू टू बीम्स।
First, object beam directed onto the object, and second, reference beam travel directly onto the recording beam. जैसे कि आपको ये object beam है and this is the reference beam. Got it? Next, mirror. This direct the beam of light to the correct location. तो ये आपका जो रेफरेंस बीम था मिरर की हेल्प से जो हमने इसको होलोग्राफिक प्लेट की तरफ डायरेक्ट कर दिया. नेक्स्ट होलोग्राफिक फिल्म. होलोग्राफिक फिल्म कैन रिकॉर्ड लाइट एट अ वेरी हाई रिजोल्यूशन विच इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ होलोग्राम. इट्स अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक फोटोग्राफिक फिल्म. एग्जाम्पल है उन केमिकल में से कुछ का सिल्वर हैलाइड इमल्सन इज एन केमिकल कंपाउंड विच इज यूज ऑन फोटोग्राफिक प्लेट टू रिकॉर्ड द होलोग्राम्स. होलोग्राम्स रिकॉर्डिंग होती है तो व्हेन द टू लेजर बीम जैसे कि आपको मैंने बताया था रेफरेंस बीम एंड ऑब्जेक्टिव बीम इज द रिकॉर्डिंग मीडियम. Their light waves intersect and interfere with each other. It is this interference pattern that is imprinted on the recording material and hologram produced. अब hologram आपने produce तो कर लिया था, अब उसको क्या करना है? आपको reconstruct करना है, use करने के लिए. तो reconstruct करने के लिए आपको क्या चाहिए? Reconstructing beam. Generally जो reconstructing beam होता है, वो same आपकी बीम होती है जो आपने रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया हुआ होता है. होलोग्राफिक प्लेट पे जाती है और इसके बाद जो आपकी एक वर्चुअल इमेज बन जाती है थ्री डायमेंशन वर्चुअल इमेज और व्यूअर जो उसको देख पाता है. इतना टू व्यू द इमेज वी अगेन इल्यूमिनेट द होलोग्राम विद अनदर वेव कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन वेव which in most cases is identical to the reference wave used during the formation of the hologram. This process termed reconstruction. Now we will discuss advances in technology. First advance is touchable hologram. तो आप जो है holographic technology से touchable hologram बना सकते हैं. इसके regarding मैं आपको एक fact बता दूं. Japanese researchers created holograms you can touch. University of Tsukuba, Japanese researchers have created holograms that can be disrupted by human touch. और ये about 2015 के round की बात है. Exactly date is not known. Means आप जो ऐसे hologram बना सकते हैं जिनको आप touch कर सकते हैं, उनको sense कर सकते हैं. Next, tactile holographic display with haptic feedback. आप जो है tactile holographic display means आप एक touchable display बना सकते हैं. जैसे कि for example के लिए आप मान लीजिए कि इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक watch पहन रहे हैं और वो पूरा पीस एक तरह काम कर सकता है अगर उसमें holographic system से चीज़ें किया जाए कि आप एक switch को on करेंगे और आपका पूरा पूरा keyboard जो है air में बन जाएगा. और क्योंकि टचेबल होलोग्राफिक टेक्निक से होगा तो आप उसको टच करके पूरी टाइपिंग कर सकते हैं और फिर आप की को प्रेस कीजिए और वो वॉच में आपका पूरा पूरा पीसी आ जाएगा. तो ये सब कुछ टेक्निक है. विद द होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री व्यू ऑफ इमेज ऑन अ टेबल टॉप. तो हम टेबल टॉप पे तो ये आप बिजनेस वगैरह में यूज कर सकते हैं. कोई भी जैसे कि आपको ये नीचे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि अगर आप होलोग्राफिक की हेल्प से 360 डिग्री इमेज बनाते हैं तो कोई भी एक मॉडल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और आराम से चीजों को बता सकते हैं कहीं पर भी. यूजर इंटरफेसिंग इंटीग्रेटेड डिस्प्ले कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस. एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर स्कोप. एजुकेशनल एप्लीकेशन. एजुकेशंस में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी अगर हम होलोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से आप जो है बच्चों को स्टूडेंट्स को कोई भी चीज जो है उसको
एक रियलिटी फॉर्म में, वर्चुअल रियलिटी की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उनको बेटर सेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मार्केटिंग विथ 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले, अगर आप कोई भी चीज़ 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले से देंगे तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव एज कम्पेयर टू द फोटोग्राफिक डिस्प्ले। 3D सिमुलेशन डिस्प्ले फॉर साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, आप जो है साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और साइंटिफिक टर्म्स को समझाने के लिए 3D सिमुलेशन डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी, तो आपका जो वर्चुअल रियलिटी है उसका लेवल जो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा इससे। टेली प्रेजेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका एग्जांपल मैं बहुत ज़बरदस्त दूंगा क्योंकि ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो उसके बाद होलोग्राफी का माइंड में आया था। इसके अंदर क्या है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कहीं पर भी किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि वो आपके सामने ही हो। इसके लिए क्या है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा का इलेक्शन जीते थे तो उसके बाद मैंने न्यूज़ पे देखा कि उनके भाई जो गुजरात में थे उनका एक इंटरव्यू था दिल्ली में और उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा का पूरा एक जो है 3D उनकी इमेज वहाँ पर क्रिएट की हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सामने हमारे खड़े हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को आप डेवलप कर चुके हैं ये चीज़ें तो, और आगे भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। तो ये सब आपके एप्लीकेशन से एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, अब सोचिए कि होलोग्राफिक सिस्टम से एंटरटेनमेंट कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चीज़ें ऐसी होंगी जैसे सब कुछ सामने हो रहा है, बिल्कुल रियल में कोई है। मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। होलोग्राफिक चेक पॉइंट फॉर मिलिट्री बैटलफील्ड सिमुलेशन, बैटलफील्ड में जो है आप वर्चुअल आर्मी को वहां पर भेज के दुश्मनों को जो है मिसगाइड कर सकते हैं। इंटेंस रियल गेमिंग रूम्स, गेमिंग्स जो आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप गेम में रियल में आप एंटर कर गए और वहां पर आप रियल में फाइट कर रहे हैं, इट विल बी मोर एडवेंचरस। इन फ्यूचर ऑल डिस्प्ले लाइक टेलीविजन मोबाइल फोन डिस्प्ले प्रोजेक्टर डिस्प्ले विल बी रिप्लेस बाय द होलोग्राफिक डिस्प्ले। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से होलोग्राफी की एप्लीकेशंस को मैंने देखा है तो उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में फ्यूचर में जितने भी डिस्प्ले हैं वो होलोग्राफी टेक्निक से चेंज हो जाएगा, चाहे टेलीविजन हो मोबाइल फोन हो प्रोजेक्टर हो। इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली डिस्प्ले रिप्लेस्ड। अब कोई आइडिया लगा सकता है कि आप देखिए कि शुरू में हमारे पास जो CD थी उसकी कैपेसिटी आती थी मैक्सिमम 700 MB तक, फिर उसके बाद आया आपके पास DVD 4.7 GB तक, फिर आपके पास जो है ये और चीज़ें बढ़ी, इनमें कैपेसिटी जो आपकी आ गई 30 से 50 GB तक की आपके पास डिस्क आ चुकी है। और अगर आप होलोग्राफी के टेक्निक से चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास जो डिस्क अवेलेबल होगी 1 to 4 TB। यू कैन इमेजिन कि आप कितना ज़्यादा डाटा जो है एक सिंपल से डिस्क में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो से जो कंक्लूजन यही निकलता है कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग हैज एंडलेस एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस का पूरा हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जहाँ तक मुझे जो पॉसिबिलिटी चलेगी उन सबको मैंने वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। बट एज फार एज द ह्यूमन माइंड कैन इमेजिन, मीन्स आप जितना इमेजिन कर सकते हो सारी पॉसिबिलिटीज है इस होलोग्राफी टेक्नोलॉजी में। इन फ्यूचर होलोग्राफिक डिस्प्ले विल बी रिप्लेसिंग ऑल प्रेजेंट डिस्प्ले इन ऑल साइज फ्रॉम स्मॉल फोन स्क्रीन टू लार्ज प्रोजेक्टर्स। मीन्स आने वाले टाइम में ये तो आप इमेजिन कर लीजिए होलोग्राफी टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने रेफरेंस लिया वो कुछ बुक है, ऑप्टिक्स बाय अजय घटक, लेजर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिक्स बाय बेबी लॉर्ड, और कुछ इंटरनेट से मैंने फैक्ट लिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको लास्ट में ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जनरली जो आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में होलोग्राफी का आ जाता है तो इनमें मैंने सारे जो पॉइंट्स पॉसिबल थे
उनको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कई बार तो सीधा राइट शॉर्ट नोट आ जाता है, कई बार रिकंस्ट्रक्शन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एक तरीके से ये जो टॉपिक था होलोग्राफी, ये काफ़ी फैंटेसी से भरा हुआ है, और मीन्स आप फैंटेसीज का समझ सकते हैं कि फ्यूचर में आप इमेजिन जो कर सकते हो उस चीज़ को रियलिटी में ला सकते हो, तो इसलिए मैंने बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरीके का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।